तो मामा जी मेरे लिए कुछ लेके आ रहे हैं, मैं आपको दिखा। दोस्तों गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरे आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज की न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है उत्तराखंड देहरादून से और टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 6:15। तो दोस्तों सुबह सुबह काजूर भी जा रहे हैं, मैं तो सोई थी एकदम से आई उठाने के लिए, अंधेरा देखना कितना हो रहा है। तो उन्हें छोड़ने जाएगा आशीष, हमारा पड़ोसी है, अपनी गाड़ी से मतलब आधे रास्ते तक, तब शायद वो वहाँ से बस में जाए या किस में, चलो देखते। तैयारी लग रहा ना सुबह सुबह ठंडा उतना ही भैया पहन रहे हैं जूते, दिखाई भी नहीं दे रहे। तो सासू माँ खड़े हैं और आशीष ने कर ली है गाड़ी स्टार्ट। सबास चल मारा चला ठीक। तो चले गए ने, अभी बैठ रहे हैं। और जेठ जेठानी जी और चले गए, मैं तो सोई थी पर काजू आई उठाने के लिए कि हम जा रहे हैं, तब देखा कि वो तैयार हो गए थे। तब बस अब देखते हैं, शायद होली पे आए, होली के भी कम ही दिन रह गए हैं ना, थोड़ा व्लॉग भी पीछे आएगा आपके पास एक दो दिन बाद। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं सो गई थी एक बार जब भैया और गए थे, उसके बाद मैं सो गई और अभी फिर मेरे मामा ससुर जी का फ़ोन आया सासू माँ के लिए कि मतलब हम आ रहे घर पे, जॉली ग्रांड पहुँच गए वो दिल्ली से आए। तो अब मैं उठ गई, फिर अब नाश्ता नुश्ता का इंतज़ाम करती हूँ यार, क्या बनाना कुछ समझ में नहीं आता, जब मेहमान आए ना तो फिर मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ क्या बनाऊँ घर के। आपके साथ भी होती है प्रॉब्लम? तो मैंने रख दिया आलू उबालने और मैंने आटा गूंथने रख दिया है। तो दोस्तों मामा जी और आ चुके हैं, चलो मामा जी को लेने। पायल की तबीयत हो चुकी है बहुत ज्यादा खराब, कुछ कोई बात नहीं। मामा जी और पहुंच चुके हैं और मामी जी की हवाई जहाज यात्रा कैसे रही? बहुत बड़ा मामा जी घूमे थी मयूर है, हाँ बहुत मजा आया। डैम पहले पानी दे देती हूँ और फिर मैंने चाय रख दिया। तो मेरी चाय भी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है मेरी और अब रोटी बनाने की तैयारी। तो फाइनली खाना बन चुका है सासू माँ के लिए, दलिया और ये मिक्स रोटी, उनके लिए मिक्स बनाती हूँ मैं, कोदे की और गेहूँ तो हल्का सा डालती हूँ, बस ज़्यादा मंडवाई रहता है। तो फिर अभी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे, अभी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। मामी और थोड़ा कपड़ा वपड़े धो रहे अपने, मामा जी उन्हें नहाया, पायल भी नहाने जा रहे थे, पायल मामा जी की लड़की है छोटी वाली, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी पहले नाश्ता वगैरह फिक्स हो जाए, जब चाय बनानी है बस बाकी सारा काम हो गया। नाश्ता लगा दिया है बस अब देखते हैं। तो
तो मामा जी मेरे लिए कुछ लेके आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कॉपी मतलब डायरी टाइप है और पेन। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो दोस्तों नाश्ता नुश्ता तो कर लिया था, बर्तन बुर्तन भी मान लिया था, अभी फ़िलहाल मैं पोछा लगा रही हूँ। और आज तो काफ़ी टाइम हो गया यार, मतलब कि टाइम ज़्यादा हो गया और अभी मैंने पोछा, तो सोच रही थी नहाने का भी। मैं देखती हूँ मामा मामी जी और भी चले गए अब मार्केट साइड, अब वो पता नहीं खाने के लिए आएंगे नहीं आएंगे, मुश्किल है, पायल घर पे ही है और देखते हैं चलो क्या क्या होता है, बताती रहूँ। फिलहाल मैं ज़रा इसे रगड़ लेती हूँ। तो दौड़े शाम के बज चुके हैं 3:30 हो गया शायद, और अब ज़रा चाय चूय बनाते हैं। आज हमने नाश्ता काफ़ी लेट किया था, 10 बज ही गए थे मुझे लग रहा, ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम, तो आज दिन में खाना भी नहीं बनाया, खाने का मन नहीं हुआ। मामा मामी और जा रखे थे जैसे मैंने बताया, और सासू माँ ने भी मना किया खाना खाने के लिए, और पायल ने कहा मेरा मन नहीं है, तो मैंने भी नहीं बनाया फिर, तो मेरा भी मन नहीं था। अब देखते हैं कुछ चिप्स वगैरह तलते हुए ना है। चल मेरा चल रहा है टिफिन विद पायल। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं स्वामी जी का जाने वाला व्लॉग, साथ में पायल, मैं, सासू माँ ने चश्मे लगा लिए हैं साथ में आंसुओं के साथ। तो अभी आप बने रहिए, अभी व्लॉग स्टार्ट ही हो रहा है, आगे आगे आपको दिखाती रहूंगी। सासू माँ हो गए हैं इमोशनल, कोई बात नहीं, सुख दुख जिंदगी का आधार है, दुख के बिना जिंदगी के सुख का एहसास नहीं है ना पायल, सच बोली तेरी भाभी। रोने का नहीं, कूल डाउन पायल, रोने का नहीं ना, कूल डाउन। तो फाइनली दोस्तों मामा जी और मामी जी आ चुके हैं, मामी जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, देखो तो तुम लेट होगी, फोन आओ चो मामी जी, आप पहुंच गए थोड़ा खूब लेंगे तुम्हें, जब कह रहे हो।